प्यारे छात्रों, एक बार फिर साहित्य की निष्कपट विदा है डायरी, इसको लेकर एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हुआ। तो छात्रों, डायरी लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। और प्रिय छात्रों, डायरी ईमानदारी से लिखना, इसमें भविष्य की शिक्षा लेने में मदद मिलती है। यह डायरी हमेशा संक्षेप और अच्छे अक्षरों में लिखना चाहिए। अपनी गलती और उलझनों का इसमें इस डायरी में स्पष्टीकरण करना चाहिए। छात्रों, डायरी लिखते समय सच्चाई और ईमानदारी का ख्याल रखना चाहिए। इसमें लाग लपेट से काम नहीं लेना चाहिए। छात्रों, डायरी लिखने का एक समय निश्चित होता है और उस डायरी में अपनी सफलता असफलता का मुख्य कारणों का आदि उसके बारे में उल्लेख स्पष्टीकरण अच्छे ढंग से करना चाहिए, ताकि हमें जब हमारा अकेलेपन का जब वक्त आए तो ये डायरी हमारी मदद करे, ये हमसे बातें करें। और छात्रों, एक बात का ध्यान रखिए, जब भी आप भविष्य में डायरी लिखने के लायक बनेंगे, काबिल बनेंगे, तब उस वक्त आपकी बात ये बात उस वक्त आपकी समझ में आएगी कि लेखक ने डायरी के बारे में जो बताया था वो आज सच साबित हो रहा है। तो प्यारे छात्रों, आप भविष्य के लिए आप भी अपना दिमाग बनाइए कि आपको आने वाले कल में एक अच्छी और अच्छे अक्षरों में बेहतरीन डायरी लिखना है। अब उसके बाद आप अपना काम कीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए।